बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आ न्यू विलाग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो शुरू करते हैं आज का विलाग, और आज बड़ा स्पेशल विलाग होने वाला है। हमने आज प्रोग्राम पक्का फाइनल हो चुका है, जैसे कि आपको पता हमने टिकट्स वगैरह हमारी पहले की हो चुकी हैं, और अभी हमने करनी है पैकिंग वगैरह, कपड़े शपड़े जो होते हैं वो सारे चीज़ें पैकिंग शेकिंग करनी। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दें कि हम क्या क्या चीज़ें पैक करके लेके जा रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सस्पेंस आप लोगों के साथ रखें। पैकिंग शेकिंग करके इंशाल्लाह फिर सुबह सुबह हम निकल जाना है, क्योंकि एयरपोर्ट पर जाना है और एयरपोर्ट पे थोड़ा सा पहले पहुंचना है। हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो हमें ये भी एक्साइटमेंट है कि हम ज़रा टाइम पे पहुंच जाएं, ऐसा ना हो कि हम लेट हो जाएं और जहाज़ हमारा निकल जाए, ये हमारे लिए थोड़ी सी तशवीश है। फिर इंशाल्लाह तजर्बा हो जाएगा तो पता भी चल जाएगा कि जहाज़ इतना टाइम देते हैं उसी टाइम पर जाना चाहिए या लेट से वेट जाना चाहिए। तो मौसम की मैं बात करूँ तो मौसम भाई साहब ज़बरदस्त किस्म की धूप निकली हुई है, ज़बरदस्त किस्म की धूप, लेकिन हवा चली हुई है, हवा ठंडी है, लेकिन धूप जो है ना, धूप पे आप जाओ ना तो बस सूरज आपको टिका के आपसे बातचीत करता है, इतनी गर्मी है, मतलब इतनी शिद्दत के साथ ना चमक रहा है। तो ये जनाब जी हमारे सीन है, फिर इंशाल्लाह कुछ दिनों तक ये सीन आपको नहीं मिलेंगे, ये फूल ये बूटे। तो मैंने कहा यहीं से इंट्रो देते हैं आप लोग साथ और यहीं से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जाते जाते हैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस जर्नी का हिस्सा बने। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मज़े के व्लॉग इंशाल्लाह मिलने वाले हैं, तो आप उन व्लॉग्स को इन्जॉय भी करेंगे। हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम हम लाइफ में जिस जगह जा रहे हैं फर्स्ट टाइम है, तो हम भी देखना चाह रहे हैं कि हमारा वहाँ का सफ़र कैसा गुजरता है, वहाँ पर हमारे दिन कैसे गुजरते हैं। तो आप भी हमारे साथ देखिएगा, एंजॉय करिएगा। कपड़े शपड़े हमारे प्रेस हो रहे हैं, ये वाला सूट मैं पहन के जाऊँगा, और हाँ एक ही लिया था, बाहर पहनूंगा, उधर जिधर जा रहे हैं ना वहाँ से मैं ले लूँगा पक्का, मेरा मूड भी है लेने का, मेरे पास जूता भी नहीं है। पता है, बड़ा पता है आपको वहाँ का, इन्हें घर के घर अपने इलाके के बाजारों का पता कोई नहीं है, और ये बाहर जाके लेंगे। ले लूंगा, देख लूंगा, मिल जाएंगे, वे खलमी वीर बैग शैग निकालते हैं, जो जो कर लिए उनको डालते हैं, सुबह सुबह ही हमने निकल जाना है, इसलिए ना जब तक हिम्मत साथ दिया। कपड़ों का तो मैं उसी साथ से रखूंगी ना। अब देखो क्या है, आप थोड़े से डाल लो, ज्यादा नहीं, बस थोड़े से डाल लो, ज्यादा नहीं, हाँ नहीं वजन नहीं उठाया जाता इतना। हाँ अब तो पैदल पैदल चल भाई। अच्छा जी, ये हमारी हैं सब्जियां, सब्जियां दी एक सन बड़ी मौज लगी हुई है, जेड़ा साडा मेहमान आंदा है उन्होंने गिफ्ट करे ने। अम्मा जी अभी यहाँ से तोड़ रही हैं मुंगरे, और हमारे घर आए हुए मेहमान उनसे उनको ऑफर देती हैं, सब्जियां साड़ियाँ खलोती हैं, मन लेंदे हो? हाँ, आए हुए हैं लियाकत के सास और ससुर, अम्मा ने उनको ऑफर दिया भाई साड़ी सब्जियां खलियन ते तुहानू असी खो के देविए, वैसे अच्छी ऑफर है साढ़े को, असल में है ये मुंगरे, ये देखो कितने हैं, ऐ पक्के तो नहीं। तो यहाँ से ना अभी मूलियाँ भी तोड़नी है हमने, बड़ी 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 मूलियाँ हो गई हैं भाई, निकालनी है शाबा, ये देखें जी, वाह वाह वाह, पहली मूली वेख ला। बहुत बड़ी निकली है, इसी तरह और भी निकाल लेते हैं। अच्छा, जो चीज़ें काम बंदा खाता है ना वो होती बहुत हैं। हाँ ये देखे कितनी बड़ी बड़ी निकल रही हैं, ये देखे ये तो बहुत बड़ी हो गई हैं, ये बहुत बड़ी हो गई हैं, ये ना ऊपर बाहर निकल आई हैं अब नीचे के बजाय, ये थोड़ी बड़ी बार हो गई मूलियाँ, हूँ डांगा बनिया खलियन, जो भी हम निकालते हैं ना इतनी बड़ी मूली निकलती है ना, यहाँ से मैं देखूँ आपको निकाल के, ओ तेरी है, ओ त्रुट गई है ये, हाँ ये बड़ी वड्डी, ये बैग उतार रहे हैं, और बैग मैं इनको कहती हूँ बैग नहीं ले जाते, उसी छोटे बैग में डालते हैं, आप अपना जरा सामान कम कर दो, ये हाँ ये छोटे वाला, हाँ ये अपना सामान कम नहीं करते, और एक एक्स्ट्रा थैला बनाते हैं साथ। अब क्या करे बंदा यार, मसला ये है पता है, सामान होना चाहिए, फिर बंदा वहां पे कहता है यार हम ले ही आते, इतना बड़ा बैग कोई नहीं, ये हमारा काफी है। वो ना दिखा रहे थे एयरपोर्ट पे ना, वो बैग जब जा रहे होते हैं गुजर रहे होते हैं वहां से, उनको वो इतनी बड़ी मशीन होती है, वो यूं जोर से मुक्के मारती है, वो आगे जाके गिरते हैं,
वो कहते हैं इसलिए तो इनके अक्सर मुसाफरों के बैग टूटे हुए होते हैं जब वो चेकिंग से गुजर के आते हैं। चलो देखेंगे हमारा क्या करते हैं। हमारा है भी हौला सा, ये देखे कब हुए हमने तो लिया। चल डाल ले, कौन कौन सा डालना है, कौन कौन से? सबसे पहले मेरा लंबा करके रख दे। धोने के बाद ये तो है। अच्छी तरह नहीं कर देंगे आपकी बड़ी सदियों पुरानी शर्ट्स। ये तो ना डाल, ये मैं नहीं पहनता। नहीं पहनता अब इसको ना डालो। हाँ ये डाल दो। आप डालते हुए देखो क्या कर रही हो उसको। ऊपर से सही लेके आयो, इधर मंड मुंड दिया। रेड भी डाल दे। हाँ रेड भी डाल दो ऐसे। ये तो नीचे से फटी हुई थी। ये कब फटी हुई? हाँ सही है। ये अच्छा चलो, ये चलो दिल्ली के बाल अभी तक फिटते हैं। चलो जी ये ना डालूं वो डालूं, दो अपर होंगे। क्या जरूरत है, मुझे तो नहीं लगता जरूरत हो। अच्छा चलो जो आता है डाल लो। ये भी ये आपने लेके जा रही हो? वो जो अभी नए ली थी वो डाल लो। ये तो रहने दो, मैं कहता हूँ बहुत पुराना हो गया आपका। नहीं अब पहनना तो है ना, रखना तो नहीं है ना। घर में तो नहीं पहन सकते, खराब हो जाता है काम वगैरह में। बैग तो फुल हो गया भाई हमारा है। मैं तो कहता था कि ये, मैं ना ये सोचता था कि ये हमारा बैग नहीं फुल होगा, हमने इतना सा कौन सा लेके जाना है। ये तो बिल्कुल फुल हो गया, असल में है ही छोटा लेकिन सही है। इतना भाई ज्यादा वजन हम ना लेके जा सकते हैं। अभी इन्होंने रास्ते में लड़ना भी है, आप उठाओ। हाँ मैंने कहा ना आप उठाओ, ये दूसरा टॉवल है। हाँ ये छोटा टॉवल सही है, ये ऊपर रख के बाद में। लो जी हमारा एक बैग तो वजन हो गया फुल। इसके अंदर दो अपर भी आने हैं आपके, और वो नहीं लेके जाने अपने। हाँ 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 वो मैंने धोए थे, दोनों ही मैले थे। इसमें तो नहीं आएंगे फिर? नहीं आ जाएंगे, ऊपर ऊपर ऐसे यहाँ पे ना। और अभी एक को छोटे वाला बैग उठाओ, मेरे वाला जिसमें मेरे अपना गैजेट्स वगैरह डालने। वो पता नहीं कहाँ पे है वो बैग, मुझे नजर नहीं आ रहा। छोटा बैग है जो वो पीछे बैग पे ना रख के ले जाते हैं ना, वो वाला मेरा पड़ा है। अभी उसमें मैं अपना ये सामान, लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर अपना लैपटॉप वगैरह डालूंगा, उसमें अपने ये डालूंगा कैमराज वगैरह, बैटरीज वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें डाल दूंगा। उसमें भी एक आध सूट और भी आ जाएगा एक्स्ट्रा। तो उसमें डाल लेंगे। हाँ कुछ चीज़ें उसमें भी आ जाएंगी। और भी डाली जा रही, और भी डाली जा रही हो। रुदी एंड करो, इसका बंद करो। लो जी हमारी बस अब पैकिंग हो चुकी है। एक बैग हमने पैक कर लिया, दूसरा हम बाद में कर लेंगे। और इसकी ऊपर वाली जेब शूप भी खाली है। अब कितना वजन बन गया? 10-12 किलो का तो बन गया ये बैग भी है। हाँ उठा के देखो फिर चेक कर ले, कोई चीज़ ऐसी गलत ना हो कि वहाँ पे एयरपोर्ट पे हमें रोक के खड़े हुए। नहीं हम ले जा रहे बॉम्ब बॉम्ब, फिर भी पता तो है आपको। सारी बातें कर लेते होंगे, क्या पता। आपकी कॉस्मेटिक ही है इसमें और कुछ है? कोई है खतरनाक? नहीं। फिर वो ना मैं कह रही हूँ, मैं कुछ ऐसी चीजें निकाल लूँ। हम गए थे ना करतारपुर, वहाँ वो जो लेडी थी ना, वो जो चेक करती थी, वो ना वो पूछती थी सारी चीजें निकाल के कि ये कहाँ से ली है। आखिर औरत थी ना। हाँ इसे कैसे लगाते हैं, इसे कैसे। मुझे हंसी आती थी, मुझे खुद थोड़ा बहुत पता था, मैं क्या बताती। अच्छा अच्छा तो इसलिए मैं कह रही हूँ कभी मैं कुछ ऐसा निकाल लूँ कि वहाँ की लेडीज का भी दिल मचल ना उठे उसे देख। अच्छा 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 जी अभी टाइम है चाय का, माल्टे खाने के बाद चाय। चाय पीनी जरूरी है। सर्दी लग गई थी माल्टे खाने के बाद। हाँ मेरा भी दिल कर रहा था। मैंने पहले आपके लिए रखी थी, मैंने अंदर और दूध डाला, मैंने कहा तो मैं भी ले लेती हूं। अच्छा उन्होंने दवाई ली है, दवाई जो मैं कल लेके दी आप सेट हो गई है? हाँ बुखार तो उतर गया है, गला भी रहता है। गले के लिए वो ले लो ना एक डोज। इन्होंने भी रात को दवाई ली है और क्या, पहले ले ली। मैंने कहा वायरस आया हुआ है तो ये सभी को खराब करेगा, मैंने कहते हैं ले ही लेता हूँ। अब चाय पी लेते हैं।
अच्छा जी, अभी कपड़े और भी प्रेस हो रही हैं, किस लिए? बच्चों के? सारे प्रेस करके रख रही हो? अच्छा, सही। तो मैं अभी निकलता हूँ जी, जो टिकट्स हैं ना उनका प्रिंट निकलवा लूँ। वैसे तो कहते हैं ई टिकट्स का प्रिंट निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियातन मैं कहता हूँ एक प्रिंट निकलवा लूँ, उसमें जरूरत पड़ भी जाए, एहतियातन रख लेता हूँ अपने पास। वहाँ कहेंगे यार टिकट दिखाओ अपना, तो बेहतर हाँ कोई पता नहीं होता, बेहतर है कि मैंने एक प्रिंट निकलवा लूँ। तो मैं अभी जाता हूँ साथ वाले सिटी में, वहाँ से एक प्रिंट निकलवा लेते हैं, तो ताकि ना वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाके मसला बने, उससे बेहतर है यहीं बंदा इसका सलूशन करके जाए। वैसे मैंने एक दो बंदों से मशवरा किया, कहते नहीं कोई ज़रूरत नहीं होती, वैसे आप फ़ोन पे स्क्रीन शॉट दिखा दो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने कहा नहीं यार एहतियातन करवा लेते हैं, पाकिस्तान है यहाँ पे कुछ भी किसी टाइम भी कुछ भी डिमांड हो सकती है। क्यों जी, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे प्रिंटर दुकान पे प्रिंट करवाने के लिए। तो भाई साहब को मैंने प्रिंट के लिए सेंड कर दिया फाइल, ये अभी प्रिंट निकालते हैं और उसको लेकर ना फिर वापस घर जाते हैं। टिकट प्रिंट करवा के मैं आ चुका हूँ घर वापस। और आप अभी भी कपड़े प्रेस कर रही हो? हाँ, ये टिकट आ गए। देखना नहीं है, ये तो सरप्राइज है ना। अभी तो मैंने देखने वालों को नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो आपको कैसे बता दूं मैं? नहीं नहीं, ये जब हम उतर मैं भी हम ड्रामा कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। वो तो मुझे पता है ना, आपको हाँ। तो नहीं पता ना। हाँ, इन्होंने ना बुक करवाई है, अभी मुझे बता नहीं रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, ईरान जा रहे हैं, इराक जा रहे हैं, शाम जा रहे हैं, उर्दन जा रहे हैं, तुर्की जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बस आप कपड़े स्त्री कर लो, फिर जहाँ उतरेंगे फिर बताऊंगा। जहाज पर चढ़ लेना ना। हाँ ये तो है। हाँ टिकट फैसलाबाद से, तो ये भी कुछ है कि कहीं अच्छी जगह पे। हाँ ये तो है। हेलो जी, तो शाम हो चुकी है और अभी हमने बिल्कुल रेडी शेडी हो चुके हैं, सब कुछ फाइनलाइज सब कुछ हो चुका है, और टिकट शिकट ये वो ऊपर नीचे सब कुछ हो चुका है। और बेगम बार बार थोड़ी देर के बाद आती हैं तो कंबल में घुस जाती हैं। अभी मुझे लगता है इनके अंदर थोड़ी थोड़ी बीमारी के असरात हैं, तो अल्लाह खैर करेगा सुबह तक ठीक हो जाएंगी, और ना भी हुई तो टिकट होगी। अभी मैं इनको जैसे तैसे लेके ना दूसरा बैग में मुझे डाल लेना ना, एक दूसरे बैग में। हाँ। वहाँ बंदा निकलेगा बैग के अंदर से जब चेक करेंगे तो कह देना बीवी है मेरी, वो कहेंगे बैग ही रखना है हमने। तो खैर अभी भी लागा करते हैं, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। कल का व्लॉग इंशाल्लाह हमारा सफर का होगा, और आप लोग साथ सारी अपडेट शेयर करेंगे, कहाँ पहुँचे, कहाँ से गए, किधर से गए। तो अभी तक इनको सरप्राइज है, ये कब से मेरे पीछे लगी हुई है कि ना बताएं। हाँ, तो बताएं तो सही। तो मैं थोड़ा चाहता हूँ कि ना जब ये उतरे ना जहाज से तो तब ही इनको पता चले कि हम कहाँ पे पहुंचे हैं। ये ना हो फिर आपको टाइटल लगाना पड़े, तसव्वुर रॉक्ड हबीबा शॉक। ये भी है, ये भी है। ये भी ना हो तो बस यहाँ से लेते हैं ना, आप मुझे घुमा फिरा के अपने बूचे वाला पिला के। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोगों के साथ इनको भी सरप्राइज देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आप सब लोग सब कुछ देख लेंगे। तब तक ज्यादा देर जहाज ही है ना, ये ना चार टांगों वाला जहाज, वो खोता जहाज जिसमें मुझे लेके जा रहे हैं। जहाज होगा जहाज, ये ना मुझे नहीं बता रही है, अपनी तरफ से कहते हैं टिकट। मैंने इनका मैसेज भी देखा है टिकट का ना, पीआईए का, तो पीआईए से तो उम्मीद है कि भाई ना कोई बार बार जहाज जाएगा, पर पीआईए चार टांगों वाला ना हो। पीआईए चार टांगों वाला नहीं होता। तो जैसा दिन दो हमें याद रखें, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। अल्लाह हाफिज़।